हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आई यूट्यूब चैनल टेक्निकल गौरव। मेरा नाम है गौरव। आज के इस वीडियो में आपको रियलमी 9 प्रो प्लस 5G वर्सेस रियलमी GT न्यू 3T 5G का फुल कंपैरिजन करके बताऊंगा। इन दोनों स्मार्टफोन्स के स्पेसिफिकेशंस का कंपैरिजन बताऊंगा, इन दोनों स्मार्टफोन्स के प्राइस, कलर एंड वेरियंट के बारे में बताऊंगा, यानी कि इन दोनों फोन्स में से कौन सा फोन बेटर है वो भी आपको बताऊंगा। तो अगर आप इन दोनों स्मार्टफोन्स में कोई भी स्मार्टफोन परचेस करने की सोच रहे हो तो पहले आप इस वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज ये वीडियो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी कि आपको कौन सा फ़ोन लेना चाहिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन्स के कलर, प्राइस एंड वेरियंट के बारे में। तो ये दोनों स्मार्टफोन्स आपको 3 वेरियंट्स में देखने को मिलते हैं, जिसमें आपका Realme 9 Pro Plus 5G 6GB रैम एंड 128GB की स्टोरेज का बेस वेरिएंट है, एंड सेम Realme GT Neo 3T 5G में भी मिलता है। Realme 9 Pro Plus 5G का स्टार्टिंग प्राइस 24,999 रुपये है, जबकि Realme GT Neo 3T 5G का बेस प्राइस 29,999 रुपये है। यानी कि प्राइस के मामले में Realme 9 Pro Plus 5G अच्छा है। अगर आपका बजट अंडर 25,000 रुपीज़ है तो आपके लिए Realme 9 Pro Plus 5G अच्छा है। हम बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के कलर्स के बारे में। तो ये दोनों स्मार्टफोन आपको 3 कलर्स में अवेलेबल हैं, जिसमें Realme 9 Pro Plus 5G में आपको ब्लैक कलर मिलता है, ब्लू कलर मिलता है एंड ग्रीन कलर मिलता है। दूसरी तरफ Realme GT Neo 3T 5G में आपको 3 कलर्स अवेलेबल हैं, जिसमें आपका पहला येलो मिलता है, सेकंड इसमें आपको व्हाइट मिलता है एंड थर्ड इसमें आपको ब्लैक कलर मिलता है। हम बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले क्वालिटी के बारे में। तो Realme 9 Pro Plus 5G में आपको 6.4 इंचेस की सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है, जबकि Realme GT Neo 3T 5G में आपको 6.62 इंचेस की फुल HD प्लस E4 एमोलेड डिस्प्ले प्रोवाइड की जा रही है। Realme 9 Pro Plus 5G में आपको 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट दिया जा रहा है, एंड Realme GT Neo 3T 5G में आपको 120 हर्ट्ज़ की रिफ्रेश रेट प्रोवाइड की जा रही है। एंड इस स्मार्टफोन में आपको 430 नीट्स का पीक ब्राइटनेस देखने को मिलता है, कि Realme GT Neo 3T में आपको 1300 नीट्स का पीक ब्राइटनेस भी देखने को मिलता है। हम बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन्स के बिल्ड मटेरियल के बारे में। तो Realme 9 Pro Plus 5G में आपको फ्रंट में गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोडक्शन दिया गया है, एंड Realme 9 Pro Plus 5G में आपको बैक पर ग्लास दिया गया है, जबकि Realme GT Neo 3T 5G में आपको कोई भी नहीं दिया गया है। एंड इन दोनों स्मार्टफोन्स के फ्रेम प्लास्टिक से बने हुए हैं। तो डिस्प्ले के मामले में Realme GT Neo 3T 5G आपके लिए अच्छा है, बिकॉज इसमें आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी की डिस्प्ले यहाँ पर ऑफर की जा रही है, एंड काफ़ी अच्छा ब्राइटनेस लेवल भी यहाँ पर आपको ऑफर किया जा रहा है। तो आपको एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन चाहिए तो आप Realme GT Neo 3T 5G को कंसिडर करें, आप Realme 9 Pro Plus 5G को परचेस ना करें। अब हम बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के कैमरास के बारे में। तो दोनों ही स्मार्टफोन्स में आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें Realme 9 Pro Plus 5G में आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर दिया गया है, जिसमें आपका सोनी IMX766 का सेंसर दिया जा रहा है, एंड इसमें आपको OIS सपोर्ट भी मिलता है। जबकि Realme GT Neo 3T 5G में आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर दिया गया है, एंड इसमें आपको OIS सपोर्ट नहीं दिया गया, एंड ना ही इसमें आपको सोनी का सेंसर प्रोवाइड किया गया है। एंड बाकी के दोनों ही स्मार्टफोन्स में आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावायलेट सेंसर दिया जा रहा है, एंड थर्ड इसमें आपको 2 मेगापिक्सल के सेंसर प्रोवाइड किए जा रहे हैं दोनों ही स्मार्टफोन्स में। फ्रंट में आपको दोनों ही स्मार्टफोन्स में 16 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरा भी प्रोवाइड किया जा रहा है। आप इन दोनों स्मार्टफोन्स में आप इसके रियर कैमरा से 4K वीडियो शूट कर सकते हो, एंड इसके फ्रंट कैमरा से 1080p एट द रेट 30fps में वीडियोज़ को शूट कर पाओगे। वीडियो क्वालिटी के मामले में Realme 9 Pro Plus 5G अच्छा है, बिकॉज इस फोन में आपको OIS सपोर्ट दिया गया है, जिसकी मदद से इसकी जो वीडियोज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल आते हैं, जबकि Realme GT Neo 3T में आपको OIS सपोर्ट नहीं दिया गया, जिसकी वजह से इसकी वीडियो में काफ़ी ज़्यादा शेक मिलता है, वो स्टेबल नहीं आती हैं। एंड कैमरा के मामले में भी Realme 9 Pro Plus 5G अच्छा है। अगर आपको एक अच्छा कैमरा स्मार्टफोन चाहिए तो आप Realme 9 Pro Plus 5G को परचेस करें, बिकॉज इसका प्राइस भी कम है, एंड इसमें आपको अच्छे कैमराज भी ऑफर किए जा रहे हैं इन कंपैरिजन ऑफ Realme GT Neo 3T 5G। अब हम बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन्स की परफॉर्मेंस के बारे में। तो Realme 9 Pro Plus 5G में आपको MediaTek Dimensity 920 का प्रोसेसर दिया गया है, जबकि Realme GT Neo 3T 5G में आपको Qualcomm Snapdragon 870 का प्रोसेसर दिया जा रहा है। ये दोनों स्मार्टफोन Realme UI पर बेस्ड आते हैं। दोनों ही स्मार्टफोन्स में आपको सेम एंड्रॉइड 12 देखने को मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स, एंड दोनों ही स्मार्टफोन्स में आपको 6GB रैम एंड 128GB का बेस वेरिएंट देखने को मिलता है। एंड Realme 9 Pro Plus 5G का प्रोसेसर 6nm के आर्किटेक्चर पर बिल्ट है, जबकि Realme GT Neo 3T 5G का प्रोसेसर 7nm के आर्किटेक्चर पर बिल्ट है। तो प्रोसेसर के मामले में दोनों ही स्मार्टफोन्स अच्छे हैं, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। दोनों ही स्मार्टफोन्स में आप सभी तरह के गेम्स को आसानी से खेल पाओगे, एंड क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 ज़्यादा बेहतर है इन कंपैरिजन ऑफ MediaTek Dimensity 920। तो आपको एक गेमिंग के लिए अच्छा स्मार्टफोन चाहिए जिसमें आप सभी तरह की गेमिंग कर सकें, तो आप Realme GT Neo 3T 5G के साथ में जाइए। बट ऐसा नहीं है कि आप Realme 9 Pro Plus 5G में गेमिंग नहीं कर सकते, ये भी अच्छा है, ये भी सभी तरह के गेम्स को हैंडल कर सकता है, एंड दोनों ही स्मार्टफोन में आपको 5G कनेक्टिविटी मिलती है।
परफॉर्मेंस के मामले में दोनों ही स्मार्टफोन्स अच्छे हैं, इसमें आपको कोई भी इशू नहीं होगा। डे टू डे यूज़ में भी इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हम बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स की ऑडियो क्वालिटी के बारे में, तो दोनों ही स्मार्टफोन्स में आपको डुअल स्पीकर्स प्रोवाइड किए गए हैं, साथ में दोनों ही स्मार्टफोन्स में आपको कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट भी मिलता है एंड सेकेंड नॉइस कैंसिलेशन का माइक्रोफोन भी प्रोवाइड किया गया है। बट रियलमी 9 प्रो प्लस 5G में आपको 3.5mm के ऑडियो जैक प्रोवाइड किए गए हैं, जबकि रियलमी GT न्यू 3D 5G में आपको 3.5mm के ऑडियो जैक प्रोवाइड नहीं किए गए हैं। तो आप रियलमी 9 प्रो प्लस 5G में आप अपने ईयर वायरफोन्स को यूज़ कर पाओगे, बट रियलमी GT न्यू 3D 5G में आप यूज़ नहीं कर पाओगे। ऑडियो क्वालिटी के मामले में रियलमी 9 प्रो प्लस 5G बढ़िया है, बिकॉज इसमें आपको 3.5mm के ऑडियो जैक प्रोवाइड किए गए हैं, बट रियलमी GT न्यू 3D 5G में नहीं किए गए हैं। तो वैसे ड्यूरिंग द कॉलिंग आपको इन दोनों स्मार्टफोन्स में किसी में भी इशू नहीं होगा, दोनों ही स्मार्टफोन्स में अच्छे क्वालिटी के स्पीकर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। पर्सनली मैं आपको रियलमी 9 प्रो प्लस 5G को सजेस्ट करूंगा ऑडियो क्वालिटी के लिए, ये ऑडियो क्वालिटी में अच्छा है। बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन्स की बैटरी लाइफ के बारे में, तो रियलमी 9 प्रो प्लस 5G में आपको 4400mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जिसमें आपको 60W का सुपर डार्ट चार्जिंग सपोर्ट भी दिया गया है, जबकि रियलमी GT न्यू 3D 5G में आपको 5000mAh की लॉन्ग लास्टिंग बैटरी देखने को मिलती है, जिसमें आपको 80W का सुपर डार्ट चार्जिंग सपोर्ट भी दिया गया है। रियलमी 9 प्रो प्लस 5G 0 से 50% सिर्फ 15 मिनट में चार्ज हो जाएगा, जबकि रियलमी GT न्यू 3D 5G 0 से 50% चार्ज होने में सिर्फ 12 मिनट्स का टाइम लेता है। तो बैटरी के मामले में रियलमी GT न्यू 3D 5G बढ़िया है, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग बैटरी प्रोवाइड की जा रही है। तो अगर आपको एक अच्छा बैटरी बैकअप वाला स्मार्टफोन चाहिए एंड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी चाहिए, तो आप रियलमी GT न्यू 3D 5G को कंसिडर करें, आप रियलमी 9 प्रो प्लस 5G को परचेस ना करें। बट रियलमी 9 प्रो प्लस 5G में आपको अच्छी खासी बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है, यानी कि काफ़ी अच्छा है एंड इसका प्रोसेसर भी बैटरी एफिशिएंट प्रोसेसर है, तो इसमें भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बैटरी के मामले में दोनों ही स्मार्टफोन अच्छे हैं, बट स्पेशली आपको बैटरी के मतलब से स्मार्टफोन चाहिए तो आप रियलमी GT न्यू 3D 5G को परचेस करें। बात करते हैं कि आपको इन दोनों स्मार्टफोन्स में से कौन सा फोन परचेस करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको अपना पर्पस क्लियर करना है कि आपको स्मार्टफोन किस पर्पस से चाहिए। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको एक अच्छा कैमरा स्मार्टफोन चाहिए तो आप रियलमी 9 प्रो प्लस 5G को कंसिडर करें, बिकॉज इसमें आपको काफी अच्छी क्वालिटी के कैमराज प्रोवाइड किए जा रहे हैं, बट रियलमी GT न्यू 3D 5G में आपको एवरेज कैमराज दिए जा रहे हैं। बट अगर आपको हाई रिफ्रेशड वाली स्मूथ डिस्प्ले चाहिए तो आप रियलमी GT न्यू 3D 5G को परचेस करें, जिसमें आपको लॉन्ग लास्टिंग बैटरी भी मिले, तो आप रियलमी GT न्यू 3D 5G को परचेस करें। बट मेरे अकॉर्डिंग अगर आपका बजट सिर्फ 25,000 रुपये एंड 25,000 रुपये में आपको एक वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन चाहिए, तो आप रियलमी 9 प्रो प्लस 5G को परचेस करें, बिकॉज इसमें आपको काफ़ी अच्छे फीचर्स ऑफर किए जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे स्पेसिफिकेशन आपको देखने को मिलते हैं एंड रियलमी 9 प्रो प्लस 5G काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्मार्टफोन है। बट रियलमी GT न्यू 3D 5G का जो प्राइस है वो 30,000 रुपये है, अपने फीचर्स के अकॉर्डिंग अपने प्राइस टैग को जस्टिफाई नहीं करता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने पैसे सेव करें एंड आप रियलमी 9 प्रो प्लस 5G के साथ में जाइए, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया स्मार्टफोन है इन द कंपैरिजन ऑफ रियलमी GT न्यू 3D 5G। यही था इन दोनों स्मार्टफोन्स का फुल कंपैरिजन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर नया आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।